तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए फिनोमिनल गुरुजी को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिनोमिनल गुरुजी चैनल। दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गैलेक्सी के एम सीरीज़ के स्मार्टफोन या फिर आप यूज़ करते हैं एफ़ सीरीज़ के स्मार्टफोन, वो कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है दोस्तों, तो आपको कुछ यहाँ पर ब्लोटवेयर या फिर आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो किस तरीके से हम उन एनोइंग एड्स को बंद कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सैमसंग गैलेक्सी के एम सीरीज़ स्मार्टफोन में से एड्स को बंद कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सैमसंग गैलेक्सी M30s यूज़ कर रहे हैं या फिर M31, M51, M31s, M21 या F41, तो उसमें से आप अपने स्मार्टफोन में कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आपको वो एड्स वगैरह देखने को बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रोसेस अप्लाई करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं क्या सेटिंग्स करना है। तो सबसे पहले आप जैसे मेनू क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक अजीब सा ऑप्शन मिलता है डिस्कवर का, जो कि यहाँ पर आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं, प्रमोशन ऐप्स हैं देखने को मिल जाती हैं। तो इसे किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं दोस्तों कि आपको ये मेनू बार में देखने को ना मिले, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे होम स्क्रीन पर, और होम स्क्रीन सेटिंग्स पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मिलता है डिस्कवर को डिसेबल करने का ऑप्शन, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वो मेनू जो बार है देखने को नहीं मिलेगा। तो पहली सेटिंग आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी सेटिंग्स आपको क्या करनी है, इसके बाद दोस्तों आपको आना है गैलेक्सी स्टोर के अंदर। जैसे ही आप गैलेक्सी स्टोर के अंदर आएंगे आपको मिलेगा, आपको मिलेगा थ्री डॉट्स का ऑप्शन, सिंपली थ्री डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको मिलता है एक ऑप्शन जो है मार्केटिंग चॉइस का, सिंपली आपको इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। और इसको डिसेबल करने के बाद यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि स्पेशल ऑफ़र प्रमोशन की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है नोटिफिकेशन का, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, तो इसको सिंपली आप यहाँ पर डिसेबल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या करनी है, सिंपली आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन, सिंपली प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको मिलता है रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, सिंपली आपको इसे यहाँ पर डिसेबल कर देना है। तो ये सारी सेटिंग्स के बाद आप अपने स्मार्टफोन को दोस्तों रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी स्मार्टफोन में, जो भी सैमसंग गैलेक्सी के एम सीरीज़ और एफ़ सीरीज़ के स्मार्टफोन हैं, और ये मेथड काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इसे फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।